इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम रहा वरक इतिहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है हम सभी जानते हैं सभी घरों का मसला है कि बच्चे स्कूल को कब जाएंगे या स्कूल कब शुरू होगी तो हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मोहम्मद साहब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं मदनी स्कूल के और बाबन स्कूल के प्रिंसिपल जनाब बाबर मुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हमार हैं इसी तरह से इस्लामिया हाई स्कूल के जनाब यासिन राही राजगर साहब हमारे साथ मौजूद हमार हैं हम उनके पास चंद सवाल लेकर उनसे गुफ्तु फरमाएंगे आज की गुफ्तु इसी मौजू पर है कि जिस तरह से स्कूल बंद है और बच्चों में इंटरनेट क्लासेस लेने का या तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का जिस तरह से यानी कि कोशिश की, की जा रही है क्या उर्दू तलबा उर्दू बच्चे इस तालीम को वो हासिल कर पाएंगे इल्मी मीर पहले से ही जैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बार बार कि उर्दू का मीर थोड़ा नीचे है दूसरों के मुकाबले में या इससे फिर नीचे जाएगा या किस तरह से ये तमाम हज़रा प्रिपेयर हैं अपने बच्चों को तालीम देने के लिए सबसे पहले आप तमाम का तीनों का हमारे इस चैनल पर ख़ैर मकदम इस्तबाल जिस तरह से आप तमाम इस परेशानी से तकरीबन एक एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से इससे मुतासर हुआ है लिहाजा कैसे आप बच्चों को कन्विंस कर पाएंगे या बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे सर और क्या मुश्किल आपसे पेश आ रही तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम रुख करते हैं जनाब यासिन रहीत राजगर साहब काफ़ी मशहूर शख्सियत ये नज़में भी लिखते हैं किताबें भी लिखते हैं लिहाजा हम उनसे मुखातब हैं यासिन रहीत राजगर साहब जिस तरह से इल्मी यानी कि एजुकेशन सिस्टम ये कोविड नाइन्टीन के बाद तब्दील होता नज़र आ रहा है तो इसकी क्या तैयारी है और आगे इससे कैसा फ़ेस करेंगे अब अभी भी इस पर शक है कि कब स्कूल शुरू होंगे सवालत हैं तो इसको कैसा आप देख रहे हैं किस पसे मजर असल रि वरकता मोहतरम नाजरीन सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल जकाती साहब के सवाल का जवाब देने की तरफ मैं गामजन हुआ चाहता हूँ आफ्ताब आलम पटेल साहब ने फेसबुक पर अपना एक मजमून लिखा है उसमें उन्होंने शुरुआत चार मिसरों से की है और वो चार मिसरे मैं यहाँ इस सवाल के जवाब में पेश करना चाहता हूँ उन्होंने लिखा है कि फ़िक्र सूदो ज़िया में रहना है फ़िक्र सूदो ज़िया में रहना है बस यहीं इस जहाँ में रहना है कम रहे इम्तहान है दुनिया कम रहे इम्तहान है दुनिया हर घड़ी इम्तहा में रहना है हाज़रीन कोविड नाइन्टीन या कोरोना ये जो वबा फैली हुई है इसके ताल्लुक़ से बहुत कुछ सुना भी गया है और पढ़ा भी गया है लेकिन इसके मुज़िर असरत जहाँ माशी हालात पर हुए वहाँ तालीमी हालात पर भी बहुत ज़्यादा हुए मैं समझता हूँ तलबा उस्ताद के सामने दो जानो होकर जब तक के नहीं बैठते तालीम हासिल नहीं कर सकते उस्ताद का मकाम बहुत ऊंचा व अरफा व आला है अपने ख़ून को जलाकर वो बच्चों में उनकी मुस्तबिल राहें हमवार करता है यह उस्ताद का मकाम है यह उस्ताद का फ़र्ज़ है और इन फ़रज़ को हमें भूलना भी नहीं चाहिए अब सवाल उठता है कि कोविड नाइन्टीन के इन हालात में क्या हम ऑनलाइन तालीम के ज़रिए को अपना सकते हैं अगर अपना सकते हैं तो ये किस हद तक कामयाब हो सकता है तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि आपने मोबाइल लाइब्रेरियां देखी होंगी एक गाड़ी में एक बस में या एक सवारी में जो हैं किताबों को रखकर वो गली गली उस गाड़ी को घुमाया जाता है और उसको जो है एक मोबाइल कुतुब खाना या एक मोबाइल लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है तो बिल्कुल उसी तरह अब अगर खाने पीने के मामले में आएंगे तो पिछले एक साल भर से ज़ोमेटो का मामला बहुत उरूज पर है घर बैठे मोबाइल से हम लोग जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं और विद इन नो टाइम एक आध घंटे में जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो हमारे घर तक पहुंच जाता है तो जब वहाँ हमारी अपनी सहूलियात को देखा जा रहा है तो कोविड नाइन्टीन के आने की वजह से अगर बिलफर्ज़ ये कोविड नाइन्टीन का मामला ना होता तो शायद ही हम लोग यहाँ इस मामले को लेकर मिल बैठते और इस पर जो है तबादले ख्याल किया होता अब चूंकि कोविड नाइन्टीन आया है और ये जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं उसको जहन में रखते हुए आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने में कोई हर्ज नहीं है हाँ इसके आ, क्या कहते हैं खातिर का फवाइद जो हैं वो उतने नहीं मिलेंगे ये अलग बात है लेकिन जहाँ तक शहर का ताल्लुक है वहाँ के बच्चे यकीनन इससे इस्ता करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे जहाँ तक करियों का ताल्लुक है वहाँ एंड्रॉयड मोबाइल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने शहरों के शहरों में रहने वाले बच्चों के पास या वालदान के पास होते हैं और वहाँ दूसरी एक अहम खामी करियो में ये देखने में आती है कि लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अमूमा चार से पाँच घंटे नहीं रहती जिसकी वजह से मोबाइल्स को चार्ज में रखना बहुत दोभर हो जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा अगर जो बच्चे उठाते हैं तो मेरे ख्याल से शहर के बच्चे बहुत ज़्यादा उठाएंगे और जाहिर बात है क्योंकि तालीम का मकसद है जानना इस के लिए जो क्लासेस ऑनलाइन के चले मुझे भी इतफ़ाक़ हुआ एक दो क्लासेस पढ़ाने का तो मैंने देखा कि तकरीबन सौ से ज़ायद आ, कराम पूरे आ, बेलगाम ज़िले के उसमें जुड़े रहे और अगली जो क्लास थी वो पाँच ई के ताल्लुक़ से थी तो मैंने उनको बताया कि पाँच ई का जो आ, एक मामला है यह बिल्कुल नया है और इस ज़मन में अंग्रेज़ी में जो मवाद मुझे हासिल हुआ था उसका तर्जमा मैंने आपके लिए महज़ करके रखा है और इसको आप नोट कर लें तो चुनानचे जो है वो तमाम उसको नोट किया और ये मुमकिन नहीं था कि एक छत के नीचे मैं सौ से ज़्यादा इस को बिठाकर मैं हो या आप हो या आप हो कुछ पढ़ा पाते ये मुमकिन सिर्फ़ जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही हुआ है तो इस ताल्लुक़ से मैं मेरा ये कहना है कि अगर हुकूमत ये ऑनलाइन क्लासेस चला भी लेती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इसका फ़ायदा है हम उस पर जाना नहीं चाहते जिस कदर बच्चे जब घर के अंदर पहुंचते हैं माहौल नहीं रहता तो बच्चों को काम के अंदर उलझना पड़ता है खासकर आप बाशिबन और मदनी या आपके भी स्कूल में लड़कियां ज़्यादा हैं तो जब घर में रहती हैं तो या तो न लड़के मोबाइल पर खेल खेल में लग जाते हैं पबजी है दिगर सीरियल्स वगैरह में और लड़कियां घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं जहाँ पर अब जैसा करिए की बात कही साहब ने कि करियर में एक तो इंटरनेट नहीं रहता इंटरनेट स्लो रहता है माँ बाप के पास मोबाइल रहता है माँ बाप काम पे चले जाते हैं खेत में जाते हैं तो शाम में आते हैं तो शाम में वो जो है पढ़ लिख पाते नहीं क्योंकि क्लासेस दिन में चलते रहते हैं तो इन तमाम मामला का जैसे खासकर मैं बाबर मोला साहब से मुखातब हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं शहर का मरक़ आपका इधर है बाशिबन तो क्या रहेगा कि ये जो है इल्म का जो मैार क्या बढ़ेगा इससे या घटेगा पहले तो नीचे जा रहा था अब इससे क्या है रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैसा कि अभी अभी सवाल पूछा गया तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला तो हुकूमत की जानिब से इस को बड़ी सख्ती से ऑर्डर हुआ था कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें दूसरा जब से यह वबा फैली हुई है तकरीबन जो है 88 एट डेज़ हो गए अट्ठासी दिन हुए ये फर्स्ट पेपर शुरू होने के लिए तो इतना जो गैप आया ये गैप में जो है इंटरनेट क्लासेस वगैरह चले मैं भी जो है हमारे लड़कियों से बार बार जो है फ़ोन पर कांटेक्ट में रहता था कि पढ़ाई कैसा चल रही है कैसा चल रही है बार बार उनके वालदे से मैं कायम करता था बच्चों से डायरेक्ट जो है मैं बात करता था तो मुझे ये सुनने में आता था कि सर फ़ोन तो घर पर है लेकिन अब्बा घर ले फ़ोन लेकर गए हैं चंद एक बच्चे कहते थे कि हमारे घर में सादा फ़ोन है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेट इस्तेमाल करना हमारे लिए नामुमकिन है तो मेरे हिसाब से हमारे 95 फाइव लड़कियाँ जो है एस एस एल सी इम्तहान दे रहे हैं उसमें से तकरीबन 30 बच्चों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिसके वजह से मैं तो ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि यह 30 बच्चों का जो नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदार कौन है तो उसका यकीन उसका ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट ही होने वाली क्योंकि जो है जब वो तीस बच्चों का रिजल्ट अगर कम हुआ खुदा ना खास्ता वो तीस बच्चे में या तो एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में अगर फ़ेल हो गए तो उसका ज़िम्मेदार हुकूमत रहेगी यहाँ अगर वो नहीं हो सकता तो किसी की तरफ़ से जो है उनको एंड्रॉड फ़ोन मुहैया कराना पड़ता था हुकूमत की जानब से वो भी नहीं हुआ चलो ठीक है इसके साथ साथ जो है हुकूमत हमें यह भी परमिशन नहीं दी थी कि क्लासेस चलाओ अगर क्लासेस चलाने का इन एग्जामिनेशन के पहला जो है हमें तकरीबन एक पंद्रह दिन या बीस दिन का मौका अगर हमारे को दिए होते तो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जो है बच्चों को और रिवीजन कराते थे उसका भी शायद बच्चों को फ़ायदा होता था लेकिन ये जो इंटरनेट के ज़रिए क्लासेस दिए गए बच्चों को मैं कहता हूँ कि एक फ़िफ्टी बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा जैसा कि सर ने बताया कि करी के बच्चों के पास इंटरनेट मोबाइल एंड्रॉयड रहा तो भी इंटरनेट सहूलत नहीं रहती अगर इंटरनेट सहूलत है तो नेट वहाँ बराबर सप्लाई नहीं होता तो वो भी उसका एक जो है असर हो सकता है तो इसके साथ साथ जो है हमारी और आगे की आने वाली जनरेशन के लिए जो है ये एक हुकूमत की तरफ हमें ये हुकूमत को यह कहना चाहिए कि अगर ये इंटरनेट क्लासेस चलेंगे तो उसके पहला जो है उसका इंतज़ाम हुकूमत के जरिए हुआ किया जाए ताकि जो है हम उसका भी बच्चों से फ़ायदा बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकें बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहल होनी चाहिए कि जैसे सैद साहब हैं हमारे पास काफ़ी रिजल्ट भी अच्छा लाते रहते हैं मेरा यह सवाल है कि पहले तो बच्चों को हम मोबाइल देने से मना करते थे कहीं ऐसे जैसे कि आपका वैभव नगर है फिर बेंड बाज़ार है कई सारे मुस्लिम मोहल्ले हैं मज़दूर पेशा लोग हैं वो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं ले सकते अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और एक तो जैसा कि आपका फी भी बच्चे जमा नहीं कर पाते क्योंकि लॉकडाउन रहा तो इसी एक तो घर के अंदर यानी कि उनका जहनी परेशानी रहती है माँ बाप दो महीने के लॉकडाउन के बाद किस तरह से दो वक्त की रोटी जुटाई इस पर लगे हुए हैं ऐसे में बच्चों की जहनीत पर उनके इम्तहान के वक्त उनके जो सर पर जो प्रेशर आता है दिमाग पर उसको कैसे निपटा जाए कैसे देखेंगे आप इस तमाम अल्लामक वरह लह जो भी हालात हमारे और आपके सामने आए हैं तो अल्लाह की तरफ़ से हैं और हम सबको उम्मीद करनी चाहिए और अल्लाह से बहुत गिड़गड़ा कर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस कोरोना वायरस से इस वबा से सारी दुनिया की सबकी हिफाजत फरमाए और साथ ही साथ इस बीमारी की वजह से इस वबा की वजह से हर तबके मुता हर तबका मुतार है और जैसा कि हमारे मोहतरम उस्ताद ने हमारे ज़िम्मेदारों ने फरमाया खासकर तालीमी निज़ाम पर इसका बहुत बड़ा असर हो पड़ा है और इसके लिए सारे हिंदुस्तान के लोग और सारे दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तबल किस तरह से महफूज रहे उसके लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी बहुत इन तस्करे हो रहे हैं और कोशिशें हो रही हैं और इसमें जो बड़ी स्कूलें हैं जो मालदार लोग हैं समझो तो वो लोग कोशिश में ज़्यादा से कामयाब मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके, उनके पास सहूलत हैं है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है लेकिन ख़ास कर हमारे मुसलमानों कम्यूनिटी में वो तमाम चीज़ें मुहैया नहीं हैं और तालीम अवेयरनेस भी नहीं है इसलिए हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और आइंदा भी करना पड़ेगा अल्लाह हमारी मदद फरमाए इसमें वही जैसा कि सर ने फरमाया कि हुकूमत को इसके बारे में खुद फिक्र करनी चाहिए कि ऐसे तलबा जिसको ये सहूलियत मुहैया नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से मुहैया होनी चाहिए और हम लोग भी तकरीबन महीने डेढ़ महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चलाने की लेकिन इसमें ख़ातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी मैंने देखा हमारा डेटा सर्वे किया तो 25 से 30 परसेंट बच्चे सिर्फ इसको, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी के 70 परसेंट बच्चे बहुत से उनकी वजूहत हैं कि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है सर और बहुत से लोग हमारे सुबह चले जाते हैं तो रात में बहुत देर तक पहुंचते हैं तो मोबाइल फ़ोन बच्चों तक मिल नहीं सकता लेकिन फिर भी हमें इस मौके को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और साइंस और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम माजी में सबसे आगे थे और साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया को हमने दिया है इसका हाँ जी इसका मौका इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करना ज़रूर करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में मालूम नहीं कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ने वाली है इस मौके को अगर हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे हम लोग भी पंद्रह दिन टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग दिए इसके बारे में और पेरेंट्स से भी बराबर बात रबते में है बच्चों को भी समझा रहे हैं कि भाई आगे का जो ज़माना आने वाला है वो साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है इसलिए हमें इसकी इसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए इसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए इन शाह हालात ज़रूर इनशा सुधरेंगे बहुत बहुत शुक्रिया ये थे माहरीन बेलगाम शहर के लेकिन ये एक बात सब खुलकर सामने आई है कि अगर स्कूल शुरू भी होती है तो वो वाला मीर नहीं रहेगा क्योंकि बच्चे ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक दूसरे से बात कर पाएंगे ना वो मैदान में मिलकर खेल पाएंगे ये वक्ती हो सकता है इसका हल ऑनलाइन क्लासेस वक्त हो सकता है लेकिन हमेशा का नहीं हो सकता और इससे इलमी मियार बढ़ेगा नहीं यकीन घटेगा यही हमारे आज के इस मुझे में जो चर्चा सत्र हमारे साथ था आया तो हमारे यासिन त्रासगर साहब कुछ कर सैज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आ, मैं एक बात ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का चलाया जाना या न चलाया जाना ये तो खैर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है हुकूमत अगर तयन करती है इसका तो यकीन हमको चलाना पड़ेगा पड़ेगा ही आ, अगर हम अपने तौर पर भी ये कर सकते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम के सी बी एस ई सिलेबस के जितने भी आ, स्कूल्स हैं वो तो खैर चला ही रहे हैं और बच्चे बाकायदा अटेंडेंस भी दे रहे हैं तो ये एक निज़ाम हमारे उर्दू मीडियम मदारस में इसका नहीं है बच्चों में वो शूर वालदा में वो शूर नहीं है लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस के माँ सिवा इसका एक दूसरा हल ये निकाला जा सकता है ालिबा एक हफ्ते भर के बाद से कल तक जो है परसों तक मैंने वीडियोस बनाए और काफ़ी सारे इस ने भी वीडियोस वीडियोस बना बनाए वीडियोस बनाकर बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने और उन व्हाट्सएप ग्रुप में उन वीडियोस को जो है बाकायदा अपलोड किया अस्सी नंबरात के इस मैथमेटिक्स के जो आज ही पर्चा हुआ है तो उसमें तकरीबन 45 मास का जो रिवीजन मैंने आ, वीडियोस के द्वारा जो कराया था तो उसमें से तकरीबन 40 से 45 मास के सवालत अलहदुल्ला आ चुके हैं तो अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलते तो उस सूरत में असम इस को ये चाहिए कि हम अपने तौर पर वीडियोस बनाएं और वीडियोस बना करके ग्रुप बनाएं बच्चों के और ग्रुप में जो है उसको अपलोड करें बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सवाल ये था कि अगर स्कूल शुरू होने के बाद भी कई सारे पाबंदियाँ जो हुकूमत की जानब से आएंगे वो वाला माहौल नहीं रहेगा जो पहले था यकीन तो इसमें जो है बच्चों के इलमी जो ग्रासपिंग कैपेसिटी होती है उनकी हिफ्स करने की कैपेसिटी उस पर असर ज़रूर होगा क्योंकि आज़ादी थोड़ी मिलने से हमारे बच्चे कुल मिलाकर इसलिए तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात अलग है वहाँ पर बच्चे पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस के आदि होते हैं लेकिन यहाँ पूरे हमारे मुल्क हिंद के अंदर वो नहीं है वो जहन वो सोच नहीं अभी उस तक वहाँ तक नहीं पहुँचे कोविड नाइन्टीन एक नई हमारे लिए एक चैलेंज बनकर आया है तो इसके अंदर इस तरह के तमाम मुश्किल होंगी लेकिन उसमें से जैसे तीन यहाँ पर माहरीन ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए यही कहा कि इसको अंदर भी यानी कि कहते हैं मुश्किल को भी एक मौका समझ कर उसमें से किस तरह से रास्ते बनाए जाए इस पर उन्होंने रोशनी डाली है उम्मीद करते हैं कि जो माह जो इल्मी माहरीन हमारे बेलगाम शहर के हैं मदनी स्कूल बाशिबंद स्कूल और इस्लामिया के इन्होंने जो कहा है वो हम तमाम नाजरन ने सुना होगा और वो अपने बच्चों को इसी के सांचे में डालने की कोशिश करें इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफ़